हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज यार हमारी यूनिवर्सिटी का डे था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हमारे साथ हैं सुंदरिया जो कि इंडिया से हैं, तो इनका इंटरव्यू ले लिया जाए क्योंकि ये यहाँ पे स्पोर्ट्स वीज़े पे आई हैं और बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में ट्राई कर रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स पर यहाँ पर आए। तो मैंने सोचा चलें फिर सुंदरिया से हम पूरा इंटरव्यू कर लेते हैं कि उनका यहाँ पर आने का पूरा प्रोसेस क्या रहा, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जिन्होंने यहाँ पर आना है। तो वेलकम है हमारे चैनल पे आपका। हाय। तो आप इंडिया में कहाँ से हैं? हैदराबाद। हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इतना हैदराबादी मिले हैं ना, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शहर में हम इस टाइम, और यहाँ पे एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और मोस्टली जो लोग हैं ना वो हैदराबाद और पाकिस्तान भी, यही पाकिस्तान फैसलाबाद लाहौर, यहाँ यहाँ से ज़्यादातर लोग आए हुए। तो आपका यहाँ पर आने का इरादा कैसे बना था? हाँ, मेरे हस्बैंड डिसाइड कर रहे थे कि उनको पसंद आया था कि लंदन स्टडीज़ के बारे में और कुछ यहाँ के प्लेसेस उनको पसंद आया था, तो सही है। यानी आपके हस्बैंड का डिसीजन था? हाँ। ठीक, थोड़ा सा आपको ऊँचा बोलना पड़ेगा क्योंकि कैमरा थोड़ा सा दूर है तो वहाँ तक आवाज़ मुश्किल जाएगी। तो आपका टोटल यहाँ पे आने का कितना एक्सपेंस लग गया होगा? कुछ 17-16 लाख। 17 लाख 17 लाख इंडियंस लगा इनका, क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करती हैं, इंडिया हैदराबाद से। तो अगर पाकिस्तान में आप ये ट्राई कर रहे हैं तो कम से कम यार 40 लाख के करीब आपका लग जाएगा। 30 लाख। 30 लाख? हाँ। 30 से 40 कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है और आप किस जगह पे आ रहे हैं, हर जगह पे डिपेंड करता है कि आपके कितने पैसे लगेंगे। तो कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है, 30-60 आपने रखना है। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शहर क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैं रिसर्च करी थी, रिसर्च करने से मेरे को पता चला कि हार्टफोर्ड शहर बहुत अच्छा है, बाकी सारी से वो भी अच्छा है, पर आई कंपेयर टू अदर्स लाइक हार्टफोर्ड शहर इज़ गुड। हाँ, ये है कि इस यूनिवर्सिटी में यार ये है कि तकरीबन 98 एकर्स पर यूनिवर्सिटी है। हाँ। और यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़ स्पोर्ट्स में आपने लेना है, वहाँ तक इनका अपना यार स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स, पूरा एक स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, पूरा क्लब्स हैं। और यहाँ की लाइब्रेरी सबसे बड़ी है यहाँ हेडफील्ड के अंदर, और ये जो लोकल लोग हैं ना वो भी आके इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी तो बहुत प्यारी है। और उसके बाद आपने यानी किसी कंसल्टेंट के थ्रू आए या आपने? कंसल्टेंट के थ्रू। तो क्या आपका वहाँ इंडिया में क्या प्रोसीजर रहता है अगर किसी ने स्पाउस पे आना है? हुँ. तो वो कैसे, यानी कि क्या छोटा सा छोटा स्टेप बताएंगे कि? हाँ, कुछ मैंने नॉर्मल डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल ही है कि आप पहले हम लोग को कुछ अभी पासपोर्ट पूरा बनाना है, पासपोर्ट के बाद कॉलेज फीस आएगा, इंटरव्यू रहेगा नॉर्मली कॉलेज तो से। ये सब कुछ आपका? हाँ, स्टेप बाय स्टेप करे थे, कॉलेज से इंटरव्यू कॉल आया था। तो वीज़ा आपका आने में कितना टाइम लगा था, तो वहाँ पे बनाती हैं? हाँ, वीज़ा आने में कुछ मुझे मेरा प्रायोरिटी वीज़ा था तो कुछ 15 डेज में आ गया था मेरा। 15 डेज। और हमारा अकेले का जो, यानी मैं अपनी बात करूं तो मेरी तकरीबन 28 दिन मुझे लग गए थे, इनका तो प्रायोरिटी वीज़ा था वो भी 15 डेज में इंडिया में आया, तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी जल्दी है। तो आपने यहाँ पे आने के लिए कोई टेस्ट वगैरह दिए थे यूनिवर्सिटी के लिए? नहीं, यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं है यहाँ का, ये याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी टेस्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन यह है कि आपका इंटरव्यू ज़रूर होता है। इंटरव्यू हुआ था आपका? इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे आने के लिए आपने टेस्ट कौन सा दिया था, जो आइट्स या इससे कंपेरेटिव? टेस्ट नहीं ली थी, क्योंकि अगर आपको 10th इंटर या भी जो आपको पहले स्टडीज थे ना उसमें 60% अबव रहने से, लाइक इंग्लिश में 60% अबव रहने से आपको टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको 60% बिलो रहने से आपको टेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, आने तो वहाँ पे आपने कौन सी स्टडी की थी? मैं वहाँ पे मेरी बीकॉम कंप्यूटर्स है। बीकॉम तो डिग्री करी थी वहाँ पे इंडिया में, उसके बाद मैं यहाँ पे जॉब भी करी थी, मैं कुछ 6 ईयर्स जॉब भी करी थी, उसके बाद यहाँ पे आई थी। तो यार अगर पाकिस्तान से हम आते हैं ना तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्स हैं, जो अगर कोई इंटर पे आना चाह रहा है ना उसके लिए तो पक्का है कि उसने आइट्स देना ही देना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये भी मास्टर्स की है, मैं भी मास्टर्स का हूँ, तो हमें आइट्स, लिंगुआ स्किल, बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमें ना देने पड़ते हैं। मैंने लिंगुआ स्किल दिया था बाय द वे। तो यहाँ पे आके आपको कैसा फील हुआ, कोई यूनिवर्सिटी और इंडिया में और यहाँ पे कोई फ़र्क आया आपको फील हुआ? हाँ, बहुत फ़र्क है। या तो
हर एक चीज़ अच्छा है, लाइक क्लासरूम्स और हम लोग को बहुत सारे फैसिलिटीज़ है और कुछ भी और कुछ वैरायटी फूड्स है आपको मिलने के लिए, देखने भी भी प्लेसेस अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छी, तो यहाँ पे आप किस जगह रह रहे हैं? नॉर्थ बेरी साउथ लंदन। तो यहाँ पे आने का कुछ ज़्यादा एक्सपेंस वगैरह तो कुछ रहेगा? एक्सपेंसेस तो है, मैं नॉर्मली पर इतना पैसे लगा के आए तो हम लोग को आना पड़ेगा ना कॉलेज रेगुलरली आके पूरा तो करना पड़ेगा। ये एक ड्रॉबैक है कि आपको यहाँ पे इतने पैसे लगा के आने पड़ते हैं यार। ये यूनिवर्सिटी जो है ना आउटर लंदन में है, तो अगर आप जैसे मैं इसमें रह रहा हूँ वो साउथ में रह रही हैं, कोई वेस्ट में रह रहा है, तो जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं ना तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ना हमें इशू आता है, क्योंकि हमें 2-3 ट्रेन्स बदल के आना पड़ता है, बसेस बदल के आना पड़ता है। तो अगर तो यहाँ पे कोई आने का सोच रहा है तो ये बात याद रखे, अगर तो उसका यहाँ पे कोई रहता है उसको सपोर्ट करता है तो फिर वो यहाँ पे आए हेटफील्ड के अंदर, वरना आपको ये सोच के आना पड़ेगा कि आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पे एन आई वगैरह पे जो कर रही हैं? हाँ, कर रही हूँ। ठीक, तो आप किसी को एडवाइस देना चाहेंगी स्पोर्ट्स पे, अगर कोई आना चाहे कि यहाँ पे बेटर उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है या? हाँ है, अपॉर्चुनिटी है, स्पोर्ट्स के साथ आने से आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि आपको जो दो बंदा काम कर सकते हैं, आपके हस्बैंड कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। हस्बैंड को तो 40 आवर्स अलाउड है लाइक वीकली, और मुझे तो 20 आवर्स अलाउड है। तो हस्बैंड को नॉर्मली ओवर टाइम भी कर सकते हो आप, अगर कंपनी चाहे तो ओवर टाइम भी कर सकते हो, उसके भी पैसा मिलेगा आपको, जो भी चाहिए मिलेगा, मतलब हर एक के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। भी देते हैं और आपको शिफ्ट भी वो देते हैं, तो आप आने का बोलेंगे ऑडियंस में अगर कोई आना चाहे? ज़रूर ज़रूर आना चाह रहे तो, बस आना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा है आपको स्पाउस के साथ, हस्बैंड के साथ आने से आपको बहुत फैसिलिटीज और लाइक अच्छे तो अच्छा रहता है। तो आपका अब तक का एक्सपीरियंस जो आपको अच्छा एक दो मंथ अच्छा रहा? तो यार अगर तो कोई आना चाह रहा है स्पाउस पे, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको 2 माह यहाँ पे हो गए हैं, तो अगर तो कोई आना चाहे तो भाई ज़रूर आए, और क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपको ये एक एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। अगर आप वापस जाना चाह रहे हैं इंडिया में, तो आपको ये है कि यहाँ पे वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटरनेशनल स्टडीज़ भी की हुई है, तो आपको वहाँ पे जॉब बहुत अच्छी मिलेगी। तो यार ये था इनका यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस कि इन्होंने कैसा यहाँ पे लंदन को पाया, यूनिवर्सिटी को कैसा पाया, और यहाँ पे इनको कैसा फील हुआ कि एज अ स्पाउस। तो अगर तो आप में से कोई आना चाहे तो यार मोस्ट वेलकम है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर तो वीडियो से कुछ हासिल हुआ है तो भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।